बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के बजट के ऊपर मैं ये कमेंट करना चाहता हूं कि ये किसी तरह भी रिलीफ बजट नहीं है, मगर इसमें जो बातें हमने कही थी या अभिषेक साहब कह रहे थे कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर इन्होंने क्या किया है कि नया टैक्स तो नहीं लगाया, यानी कि नए नाम का टैक्स नहीं लगाया, पुराने टैक्सेस में रद्दबदल किया है, कुछ जगहों पर टैक्स बढ़ाए और कुछ जगहों पर टैक्स घटाए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो दो महीने लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, जिससे बहुत सी लोकल इंडस्ट्री और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर और क्या नाम है एसएमईज और आपके छोटे ताजर, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है और ये उसूलन तौर पर रिलीफ बजट होना चाहिए था। इनको टैक्सेस कम करने चाहिए थे, यूटिलिटीज के लिए कम करने का रास्ता करना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस इनके हिसाब से शायद अब लंबा नहीं रहने का, या चला जाएगा या है ही नहीं। बात तो इन्होंने कोरोना की, मगर कोरोना वायरस के हिसाब से और उसके इम्पैक्ट के हिसाब से ये बजट नहीं है। ये बजट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए, पिक एंड चूज के लिए है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दिया है, काफी बेनिफिट दिए है सीमेंट के थ्रू और ये सब, वो ठीक है, अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं है। इसी तरह टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए है, वो भी अच्छी बात है, मगर पॉइंट क्या है कि बाकी जो इंडस्ट्री है, स्पेशली लोकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सफर कर रही है, उसको कोई बेनिफिट लंबा चौड़ा नहीं दिया, कोई ऐसा टैक्स कम नहीं किया, बल्कि उल्टा कुछ चीजों पर टैक्स लगाए। मशरूबात पे वो एनर्जी ड्रिंक पे 13% से उठा के 25% हेल्थ का नाम लेके उसको बढ़ा दिया है। इस तरह और भी टैक्सेस बढ़ाए, मगर लेट्स सी, अब इसकी और डिटेल आ जाएगी तो समझ आ जाएगी। मैं समझता हूं और इन लोगों ने जितने भी अभी अहदाफ फिक्स किए हैं कलेक्शन के, या ये समझते हैं कि ये GDP 2.1 के उम्मीद रख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आएगी, इसलिए कि ये माइनस में रहेगा। अभी कोरोना वायरस है और हमारे हिसाब से अभी जल्दी नहीं जा रहा और उसका इम्पैक्ट बहुत सीरियर था और भी होगा, और कोई भाई नहीं है वापस लॉकडाउन में जाना पड़े। तो पॉइंट ये है मेरे हिसाब से, ये बजट जो है, इसको इन्होंने मेरे ख्याल से जो नॉर्मल जो रूटीन की बजट होते हैं इस तरह बना लिया है। हालांकि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने मौकर कर दिया है, और मैं समझता हूं कि वो क्या नाम है G20 ने भी मौकर किया है, रिलीफ दिया है, उसका एडवांटेज इन्होंने पास ऑन नहीं किया, कहा गया, और बाकी इदारों से भी ये मौकर करवा सकते थे। अब सही मायनों में ये बजट इंडस्ट्री या बिजनेसेस को सरवाइव करने के लिए कोई टेका नहीं दिया। अब लेट्स होप कि कुछ बेहतरी आए, मगर मुझे नहीं समझ में आता, मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये बजट के आने के बाद ये कोई 3-4-6 महीने में अगर कोरोना नहीं जाता तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और फिर इनको ये सारी चीजें भी रिविजिट करनी पड़ेगी। इसलिए ये बजट में जितनी भी चीजें इन्होंने फिक्स की है कि हो जाएंगी, मैं समझता हूं ये सारा गेस वर्क है और इसमें से कोई भी टारगेट इनका पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।